ये फारूक अंकल की कजन और उनकी बेटी है ना, ये वही लोग हैं जो पार्किंग में मिले थे मुझे, जिनसे मेरी बहस हो गई थी। अरे वो जो चाय वाले को टक्कर मार के भाग रहे थे, मैंने भागने नहीं दिया था, वही तो है। फिर तुम्हें देख के क्या बोली, क्या रिएक्शन आया? मूड ऑफ हो गया ना हम दोनों का। देखे ना, मुझे देख के दोनों की शक्लें लाल पीली हो गई हैं। मैं उस रोज के लिए आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। प्लीज उस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए। और युसरा, तुमसे ही बहुत सॉरी। देखो अब हम सब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हम अपने दिलों में एक दूसरे के लिए कोई करवाहट रखें। तो आप दोनों से आई एम सॉरी। रायना की सोबत में रह रहकर ये वैसा ही सोचना शुरू हो गई है, इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि रायना को ही यहां से शिफ्ट कर दूं। आप खुद ही कहते हैं कि दादी की रूट तड़पेगी अगर आप रायना आंटी को इस घर से निकाल दें तो। खैर आप फिक्र ना करें, इससे बात करूंगा, इससे समझाऊंगा, मेरी बात समझती है। भाई सच तो यह है कि मेरी जेब खाली है, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि ये नेक व्यक्ति होगा। अरे अम्मू ये क्या बात हुई? वैसे इन चोचलों की कोई खास जरूरत तो है नहीं, तुम्हारी कौन सी जवानी की शादी है?